Shaha Group, importer, exporter and supplier of stainless steel. Complete solution in steel. Steel Line India. Sister concern, Royal Stainless Steel, Parth Steel and Engineering Company. Special steel and alloys. जोधपुर शहर के शास्त्री नगर से महावीर सर्कल तक के मार्ग का नाम अब वेद देवीदत्त व्यास मार्ग होगा। नगर निगम के महापौर घनश्याम ओझा और विधायक कैलाश भंसाली ने सोमवार को इस मार्ग के नामकरण पट्टिका का अनावरण किया। इस मौके पर उप महापौर देवेंद्र सालेचा, राजसिको के अध्यक्ष मेघराज लोहिया भी उपस्थित थे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि वेद देवीदत्त व्यास आयुर्वेद के साथ साथ संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे। मारवाड़ में आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये एक वह पोस्ट है जिसमें एक व्यक्ति गाय को काटता हुआ दिखाई दे रहा है। वह खुद नदीम है जो कश्मीर का रहने वाला है और अपने ही फेसबुक पर उसने इस कमेंट के साथ ये पोस्ट की। ये छात्र उदयपुर के एसएस कॉलेज में अध्ययन करके 2016 में कश्मीर लौट गया। हालांकि ये पोस्ट उसने अपने फेसबुक पेज से हटा दी है, मगर इसकी निम्न सोच एवं मानसिकता से उदयपुर में धुआं उठने लगा है। कल उदयपुर के हिंदू संगठनों ने एसएस कॉलेज में जाकर कॉलेज प्रशासन से मांग की है कि ऐसे छात्र के पेपर से डिग्री रोक ली जाए। कॉलेज प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के आग्रह पर एक लिखित पत्र दिया है। फेसबुक पेज पर इसकी कुछ पोस्टें ऐसी भी देखी गई है जो आतंकवादियों को अपना हीरो मानता है। कश्मीरी छात्र न जाने कितने आतंकवादियों की राह पर चलने के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। देश के तमाम कॉलेज प्रशासन को इस तरह के स्टूडेंट का संज्ञान लेना चाहिए। हैदराबाद के बोर्ड उपल एरिया में राजस्थानी वेशभूषा में सजी धजी कुछ औरतें डीजे फिल्मी धुन पर रोड पर नृत्य करने लगी। कार्यक्रम था मारवाड़ी मित्र मंडल का गणपति विसर्जन समारोह, उससे पहले अन्नदान समारोह भी हुआ। अगली खबर आ रही है अंकलेश्वर से। शुभ समय के मानद संवाददाता हरीश सिंह झाबरा बता रहे हैं, गणेश महोत्सव की पूर्णाहुति पर मंगलवार को पूरा अंकलेश्वर शहर सड़कों पर उतर आया। विभिन्न इलाकों से धूमधाम के साथ निकली सैकड़ों विसर्जन यात्राओं के कारण ज्यादातर प्रमुख सड़कों से लेकर नर्मदा नदी तक उमड़े जन सैलाब से शहर में बड़े मेले जैसा माहौल रहा। इसी बीच प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आना की कामना के साथ हर्षोल्लास से गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इसी बीच अंकलेश्वर के डीपीएमसी कार्यालय रामकुट पानोली में कृत्रिम तालाब बनाए गए। कृत्रिम तालाब में 300 से ज्यादा प्रतिमाओं का विसर्जन कर बप्पा को नम आंखों से विदाई दी। गणेशोत्सव उत्सव के रंग में पूरा देश रंगा हुआ था। तेलंगाना में नलगोड़ा जिला मलापल्ली गांव में शुभ समय मानद संवाददाता विक्रम सिंह ने ये तस्वीरें भेजी है, जहां राजस्थानी धोती साफा पहने हुए नाचते भजन गाते राजस्थानी समुदाय के लोग गणपति विसर्जन में शामिल हुए। अगली रिपोर्ट हैदराबाद से है, शुभ समय के मानद संवाददाता चंपालाल साथुआ की। गणपति मंडलों के साथ साथ देश में सामाजिक संस्थाएं भी गणपति उत्सव मनाने में पीछे नहीं है। श्री राजपुरोहित खेतेश्वर युवा मंडल हैदराबाद सिकंदराबाद की बात हम करते हैं, जहां बैंड बाजों की धुन के साथ नाचते गणपति की जयकार करते हुए 10 दिन के आराध्य के बाद विसर्जन जुलूस निकाला। पनवेल में गणपति पंडालों में मनोहर नैना भीराम झांकियां हर किसी को मोहित कर रही थी, मगर कल गणपति विसर्जन भी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। आइए कुछ झलकियों के दर्शन एवं विसर्जन की तस्वीरें पनवेल से देवी सिंह शीतलाव ने भेजी हैं, आइए आनंद उठाते हैं। लखनऊ
लाल बाग के राजा का दीदार मुंबई का हर एक व्यक्ति करना चाहता है, मगर 10 दिन उस स्थान पर नहीं पहुंच पाते। वह सुबह सुबह गिर गांव चौपाटी पर आकर इंतजार करते हैं राजा के दर्शन करने के लिए और अगले वर्ष का निमंत्रण देने के लिए कि पुरछा वर्षी लौकरिया। मगर इस बार लाखों भक्तों को निराश होना पड़ा। हमेशा गणपति के दर्शन हेतु मंडल वाले मुख अरब सागर से जन समुद्र की ओर करते हैं, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। वह सीधे अरब सागर में अगले वर्ष तक विसर्जित हो गए। ये तस्वीरें शुभ समय की हैं, जहां सारी रात सारे चैनल वाले दिखा दिखा कर आराम करने चले गए। उस भोर में शुभ समय ने ये तस्वीरें जल समंदर के तट पर उमड़े जन समंदर का ये विहंगम दृश्य कैद किया। शांति मेटल स्टॉकिस्ट एंड इंपोर्टर वेल्डिंग इलेक्ट्रो रोड फिलर वायर ऑफ स्टेनलेस स्टील मोनल निकल इनकोनल टीटानियम हास्ट एलॉय रेडी स्टॉक जापान यूएसए कोरिया। अधिक जानकारी के लिए www.shantimetal.com को लॉग इन करें। शांति मेटल तीसरा कुंभारवाड़ा मुंबई 4, टेलीफोन नंबर 0222388946।